चंद्रयान के बाद अब सूर्यान, भारत एक के बाद एक करिश्मा कर रहा है और राजाओं की तरह सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी राज कर रहा है। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद अब भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सोलर मिशन आदित्य L1A को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके साथ ही आकाशगंगा में स्पेस प्रोब्स का एक नया युग शुरू हो गया है। ये मिशन चंद्रयान की तरह पहले ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और फिर ये अधिक तेजी से सूर्य की ओर उड़ान भरेगा। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। जब तक कि पृथ्वी और सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स पर काबू नहीं पा लेता, ये बीच में एक बिंदु जिसे लैग्रेंज पॉइंट यानी कि L1 भी कहते हैं, उस पर रुकेगा। आदित्य L1 ये दूरी करीब 4 महीने में तय करेगा। यहाँ से वह सूर्य की विभिन्न गतिविधियों, आंतरिक और बाहरी वातावरण आदि पर अध्ययन करेगा। रिपोर्ट्स के मारे तो भारत की लगातार कामयाबी के बाद भारत ने स्पेस लॉन्च के काम को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया है और इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। सरकार का लक्ष्य अगले दशक में ग्लोबल लॉन्च मार्केट में अपनी हिस्सेदारी 5 गुना तक बढ़ाने का है। स्पेस सेक्टर जैसे जैसे ग्लोबल बिजनेस में बदल रहा है, इस सेक्टर में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए देश की उम्मीदें इसरो की कामयाबी पर टिकी हैं। भारत ने 1950 और 1960 के दशक में उस समय अंतरिक्ष अनुसंधान का काम शुरू किया जब देश गरीबी और निर्धनता की चुनौती का सामना कर रहा था। 1963 में जब भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो किसी को ये भ्रम नहीं था कि ये अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अब ये निश्चित रूप से दुनिया के प्रमुख देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसियों की कतार में खड़ा है। 23 अगस्त को लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 मिशन पर भारत ने लगभग $70 मिलियन खर्च किए हैं, जो क्रिस्टोफर नोलन की 2014 की अंतरिक्ष मिशन फिल्म इंटरस्टेलर पर खर्च किए गए $131 मिलियन के आधे से भी कम है। अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास को आमतौर पर अमीर देशों का साहसिक कार्य माना जाता है, लेकिन भारत की सफलता ने दुनिया के उभरते देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया उत्साह और जुनून भी पैदा किया है। चंद्रमा और सूर्य के अनुसंधान और उससे प्राप्त ज्ञान पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, ये दुनिया भर में मानव विकास और मानवता के लिए समर्पित है। चंद्रमा और सूर्य के अनुसंधान से भारतीय वैज्ञानिकों को जो भी मिलेगा उससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। इसी तरह के खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा।